नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जहां एक ओर योगी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं कुछ लोग अभी भी महिलाओं पर क्रूरता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसी ही घटना हरदोई से सामने आई है जो दिल को दहला देने वाली है। जहां मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी की पति ने पीट पीट कर हत्या कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। हरदोई में हुआ जघन्य अपराध। मायके जाने की जिद महिला पर पड़ी भारी। नशे में धुत पति के सर पर था खून सवार। गुस्से में आकर पत्नी को बेरहमी से पीटा। पीट पीट कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। एक ओर जहां योगी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी महिलाओं पर क्रूरता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही हरदोई से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यूपी के हरदोई में मायके जाने की जिद पर अड़ी पत्नी की पति ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल महिला का मायका बिहार में है और महिला अपने पति से मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी बात से गुस्सा होकर जल्लाद पति ने लात घूंसे और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की। परिजन उसे बचाने के लिए आए, लेकिन हमलावर पर खून सवार था और उसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो मरणासन्न हालत में पहुंच गई और मरणासन्न हालत में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि हरदोई के बरहेन गांव के निवासी नरेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। नरेश एक साल पहले रांची में काम करता था और उसकी मुलाकात आरती से हुई। थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि पत्नी द्वारा मायके जाने की बात कही जा रही थी, जिस बात पे कुछ इनका घरेलू विवाद हुआ और इसमें पति के द्वारा पत्नी से मारपीट की गई, जिसमें उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है, अभियोग पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोनों ने शादी की और बरहेनपुर गाँव में आकर रहने लगे। नरेश के पिता छोटे लाल के मुताबिक आरती उसके साथ रहती थी और कुछ दिनों से आरती अपने मायके रांची जाने की पति नरेश से जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और फिर नरेश ने आरती की लात घूंसे और बेल्ट से जमकर पिटाई की। हालत बिगड़ने पर 108 एम्बुलेंस से आरती को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पति नरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को मामले की सूचना दी है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी है। सांडी थाना क्षेत्र के बढ़ियनपुरवा का मामला है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा है और एक वर्ष पूर्व अपने शादी करके वो लाया था यहाँ पे, और घर पे लाने के बाद कई बार इसके मारपीट होती है घर पे, लेकिन सिर्फ पैसे को लेन देन के और घरेलू हिंसा के चलते अपनी पत्नी को मारता पीटता था, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। सोचने वाली बात ये है कि आखिर महिलाओं पर इस तरह कब तक अत्याचार होते रहेंगे और इस तरह के जघन्य अपराध पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो लगातार सख्ती
के बाद भी अपराध होते नजर आ रहे हैं, जहां महिलाओं को लेके लगातार कई सजाएं घोषित करी जा रही है, सरकार सख्त कदम उठा रही है, इसके बावजूद भी नशे की लत में लोग अपना आपा खोकर हत्या और कई जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।